भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर चुका है। जानवर हजारों वर्ष से यहाँ जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होते हुए भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा साकारता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न कर देता है। एक मधुर शब्द को रोहों को मिला देता है और एक कटुक शब्द को मित्रों को मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। अब यह प्रश्न है कि मधुर भाषा किसे कहते हैं? साधारणता जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुरी भाषा का भी गुण है। वचनों का माधुरी हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तुलसीदास कहते हैं, कोयल काको देत है, कागा काको कासो ले। कोयल किसको क्या लेता है और कौवा किससे क्या लेता है? कुछ नहीं, न कोयल देता है न कौवा लेता है। तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर ले। और कौवा का काको किसी को अच्छा नहीं लगता, प्यारा नहीं लगता, लेकिन कोयल की मधुर वाणी सबको आकर्षण करती है। सिर्फ भाषा, क्योंकि दोनों का रूप भी पूरा काला कलूटा एक जैसा होता है, परंतु अपनी भाषा से अपनी बोली से एक संसार में जगह बनाए हुए हैं। उपमा दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, कोयल सा मीठा आवाज है, कोयल सी बोली है और कौवा जैसा कर्कश है। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। वानभट्ट जब मरने वाले थे तब यह प्रश्न उठा कि उनकी लिखी हुई पुस्तक कादंबरी अधूरी रह गई, इसको कौन पूरा करेगा। उनके दो लड़के थे, दोनों को बुलाया और पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उस पर कुछ बोलो। बड़े लड़के ने कहा, सुष्कंग काष्ठं तिष्ठत्यज्ञे यज्ञे, सूखा हुआ लकड़ी है उसको क्या करना चाहिए। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलस तिपारत। दूसरी की भाषा मधुरता थी, इसलिए वानभट्ट ने छोटे लड़के को कादंबरी पूरी करने के लिए कहा।